बालाघाट जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी है तो बस प्रतिभा के रूप में चमकने वाले होनहारों को तराशने की, खासकर बालाघाट की बेटियां, जिन्होंने समय समय पर हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया है। हाल ही में बालाघाट से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत समनापुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं ने राष्ट्रीय साइकिलिंग टाइम ट्रायल प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और ताम्र पदक जीतकर जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है, जिनका एक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला ही ऐसा है जहां के लोगों ने बेटियों के मामले में मुख्यमंत्री से भी तारीफ हासिल की है। मैंने बालाघाट में भी कहा, मैं बालाघाट जिले की जनता की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और इज्जत इज्जत करने का कारण है, कारण ये नहीं कि मेरी ससुराल गोरी या बगल में लगी है और उसके कारण आना जाना होगा, लेकिन एक कारण ये है कि बालाघाट जिला बेटियों की बहुत इज्जत करता है, बेटियों की बहुत इज्जत करता है। प्रदेश स्तरीय साइकिल रेस में पदक लेने वाली छात्राओं में कक्षा 9वीं की कुमारी मोनिका बनोटे ने स्वर्ण पदक, कुमारी सलोनी 12वीं कक्षा ने रजत पदक और कुमारी जयश्री चौरे ने ताम्र पदक जीतकर अपना अदम्य साहस दिखाया है। हमें बहुत अच्छा लगा वहां से, और आए थे बच्चे, और अच्छा लगा। साइकिल रेस में तीन तीन पदक जीतकर बालाघाट और मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाली इन छात्राओं के सम्मान और स्वागत के लिए बालाघाट के अन्नदाता किसान संगठन के द्वारा भव्य आयोजन किया गया था, जहां जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर इन छात्राओं को सुविधा प्रदान करने की बात कही। हमारा संगठन का संकल्प है, ये हमारे संगठन का पहला कार्यक्रम इस टाइप का है जिसमें कि बच्चों को प्रोत्साहन हुआ, जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ तीन बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया है तो हम लोगों ने अपने संगठन के साथ बैठ करके चर्चा की, तो चर्चा के उपरांत हमने माननीय कलेक्टर महोदय से, हेल्थ दीदी से सबसे चर्चा की और ये आयोजन का आयोजन किया गया। और ये आयोजन केवल इसलिए नहीं है कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है जो टीम जीते हैं उनके लिए नहीं, बाकी जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और लोग गार्जियन बैठे हैं सबको प्रोत्साहन हो, सब बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए हमने आयोजन किया और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के बच्चे और राष्ट्रीय स्तर पर जाएँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएँ। वहीं बालाघाट के जिला कलेक्टर डीवी सिंह ने इन छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर साइकिल रेस में हिस्सा लेने के लिए हाईटेक साइकिल देने की घोषणा भी की। मैं बिल्कुल, अभी जो तीन बच्चियां हमारी जो स्टेट लेवल पे गोल्ड और रजत और कांस्य जीत के आई हैं, अब इनको नेशनल खेलने के लिए आगे बढ़ना है, तो उसके लिए एक अलग तरह की जो बाइक साइकिल की बात हो रही है, जो कोच बता रहे थे नागपुर या किसी और जगह मिलेगी, तो वो 1.5 लाख रुपये की व्यवस्था जो हमारा मुलना समिति का फंड है उससे बहुत जल्दी हम कराएंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में उन बच्चियों को साइकिल मिल जाएगी ताकि अच्छे से वो प्रैक्टिस करके और नेशनल गेम में भाग ले सकें।